यार हम एज अ कौम ना किस हद तक गिर चुके हैं और कितने नीचे हो चुके हैं हम लोग, ये हम अपने आप को दिखाना मिस नहीं करते। रोज बरोज कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हम लोग करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि भाई देखो हम लोग कितने घटिया हैं, हम लोग कितने नीचे हैं और हमारी कौम किस लेवल पे जा रही है, जिस लेवल पे कोई पहुंच भी नहीं सकता। अभी ये देखो आप कुछ पिक्चर्स हैं, ये एक स्टोर के कपड़ों का स्टोर है जिसके हालत देखो, आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार कोई जंगली सुअर गुजरा है यहाँ से, कोई हाथी पागल गुजरा है यहाँ से, कोई भेड़िया बकरा या भैंसे, कोई भैंसों का झुंड गुजरा है यहाँ से जिसने ये हॉल का इस पूरे स्टोर का। लेकिन भाई ये कोई जंगली सुअर नहीं था, ये थी हमारी कौम, ये थे हमारे लोग, ये जो पाकिस्तानी नेशन है ना, ये वो है, ये इन्होंने हाल किया इसका। भाई स्टोरी शुरू होती है, भाई ये गंजी स्वैग ये जो था भाई, ये इसने एक स्टोर की प्रमोशन की, उसमें इसमें कह रहा कि भाई 50 रुपए की 300 रुपए की 200 रुपए की शर्ट है, और वो थी थ्रिफ्ट स्टोर। थ्रिफ्ट स्टोर क्या होता है, लंडा, लंडे की मार्केटिंग की इसने कि यार ये लंडा खुल रहा है भाई कराची में, इससे 50 रुपए की शर्टें मिल रही है, 200 रुपए के आपको फ्रॉक मिलेगा बच्चों को और 300 रुपए का आपको कोट मिलेगा। ये इसने वीडियो लगा दी, इसकी वीडियो ने ऐसी मार्केटिंग की, ऐसे लोगों को पागल किया, और भूखी नंगी कौम ये जो अपने हक के लिए निकलने के बारे में सोच नहीं सकती, इनको फ्री में कुछ दे दो ना तो भाई ये अपना इज्जत और सब कुछ भूल जाएंगे कि भाई हम कर रहे क्या है। मतलब कि यार इस हालत देखो इन लोगों की हिसाब वीडियो में कि ये भूल गए कि भाई औरतों की क्या वैल्यू होती है, मर्दों की क्या वैल्यू, औरतों और मर्दों में क्या फर्क है, नहीं भूल गए, बस 50 रुपए की शर्ट के पीछे इन्होंने अपना जमीर बेच दिया, इन्होंने अपनी अखलाकियात बेच दी है, कोई फर्क नहीं पता चल रहा है कि औरत है मर्द है नहीं, 50 रुपए की शर्ट के पीछे ये पागलों की तरह, यार ये क्या जा रही है कौम भाई, ये अगर यही लोग अगर बिजली के बिलों पे, महंगाई पे, टैक्सेस पे ऐसे करके निकले, ऐसे ये जैसे इन्होंने इस माल का दरवाजा तोड़ा है, इसी तरह जाके पार्लियामेंट का जाके आगे एहतजाज करेंगे भाई महंगाई कम करो, भाई हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमारे बच्चों की जिंदगियां साफ बनी हुई है, तो कहाँ से कहाँ चली जाए। मतलब पता चलता है यार ये कौम कहाँ जा रही है, यार किस लेवल की कौम हो गई है, इनको फ्री के चस्के पड़ गए, इनको फ्री के मजे पड़ गए, अपने हक के लिए नहीं निकलना, नहीं निकलेंगे भाई, नहीं निकलेंगे, मर जाएंगे भूखे नंगे होके मर जाएंगे, लोगों से पैसे मांग मांग के किराए देंगे, लोगों से पैसे मांग मांग के बिजली के बिल देंगे, लेकिन अपने हक के लिए निकलेंगे नहीं। क्यों निकले भाई, हम कोई सिविलाइज्ड कौम है, हम कोई अकलमंद है, हम तो भूखे नंगे भीख मंगे हैं, हमने तो सिर्फ फ्री की चीज़ के पीछे निकलना है। यार अब हालत देखो उस बेचारे स्टोर वालों ने क्या किया था कि यार इन्होंने कहा था यार कि हम इस कौम के लिए थोड़ा सी बेहतरी करते हैं, हम 50-50 रुपए की शर्टें दे देते हैं, किसी का भला हो जाएगा, जिसको हालात बुरे चल रहे हैं बेचारे के वो आके ले लेगा। लेकिन यार ये देखो गाड़ियों वाले लोग आए हुए हैं, बच्चों माओं के साथ आए हुए हैं, औरतें मर्दों में घुसी हुई हैं, सिर्फ 50 रुपए की शर्ट के पीछे इन्होंने अपना वो हाल कर दिया है, वो घटियापन दिखाया पूरी दुनिया के आगे, पूरी दुनिया हंस रही है। इसी तरह इन्होंने अभी थोड़ा अर्से पहले एक और स्टोर था कराची में A&S अपेरल, उसके साथ भी यही किया भाई, उसने लगाया था भाई 50% या 70% सेल, उसकी सेल में पागलों की तरह घुसे और उस स्टोर में जाके ये हुआ कि भाई कुछ औरतों के सांस बंद हो गए, बच्चे पाँव के नीचे आ गए, उन्होंने भाई माफ़ी मांगी कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने ये सेल लगाई है, ये कौम डिजर्व ही नहीं करती सेल, इस कौम को लितर पड़े हैं लितर, ये जीप कौम है, ये इनको फ्री के चस्के पड़ गए, यार अपने हक के लिए निकलना सीखो भाइयों, अपने हक के लिए निकलना सीखो।